एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। ये सबसे इजीएस्ट रेसिपी है और सबसे कंफर्ट फूड में आता है हमारे, जिसको खाने के लिए मतलब विंटर्स के लिए हम स्पेशली वेट करते हैं, क्योंकि ये टाइम सबसे एडिक्वेट टाइम है इसे खाने का। अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स भी इस टाइम पे मिलती है और इसमें हम बहुत कुछ डाल भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एकदम सिंपलेस्ट रेसिपी इसकी शेयर करूंगी, कैसे हम करेंगे इसके कुछ कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी आपसे। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ये बैंगन में मैंने इतना बड़ा एक बैंगन लिया है, ब्लैक कलर का भी जो है, सॉरी जो वायलेट कलर का बैंगन है आप उसे भी ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा साइज में होने से बहुत अच्छा है। मैं इसमें थोड़े थोड़े से कट लगा दे रही हूँ। मैं इन जगहों पे थोड़ी लहसुन की कलियाँ डालूंगी। लहसुन की कलियाँ इसमें डालने से, और जब ये थोड़ा बर्न होता है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास ये कुछ लहसुन की कलियाँ हैं जो मैं इसमें डाल दूंगी, बिल्कुल इसी इसी जगह पे मैं इसे डालूंगी जहाँ जहाँ मैंने इसे करके रखा था। देखिए मैंने इसमें जहां जहां कट लगाया था वहां वहां मैंने लहसुन की कलियों को डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा लूंगी, अच्छे से पूरे बैंगन को ग्रीस कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल से। मैंने बैंगन को अच्छे से मस्टर्ड ऑयल से ग्रीस कर लिया है, साथ ही मैं इन टमाटरों को भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। हम ये दोनों को एक ही साथ इसको बर्न आउट करेंगे अवन में। मैंने गैस अवन पे एक, इससे हम रोटी छेकते हैं, उसको मैंने इसे बैठा दिया है। अभी मैं गैस को ऑन कर लूंगी, करके पहले गैस को लो फ्लेम में रख के मैं बैंगन को इसमें प्लेस कर दूंगी। हम बैंगन को ऐसे ही आगे पीछे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरी तरीके से जला लेंगे ओवन के ऊपर। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर का नहीं पकेगा और बाहर वाला जल जाएगा। बैंगन मेरे एकदम जल के रेडी है। अब मैं इसे हटा लूंगी और अब डालूंगी मैं टमाटर। अब मैं इन टमाटर को थोड़ा सा बर्न आउट कर लूंगी इसके साथ यूज करने के लिए। दो टमाटर का मैं यूज कर रही हूँ, इसको भी हम उसी प्रोसेस से थोड़ा बर्न कर लेंगे। टमाटर भी पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे भी निकाल लूंगी और इन्हें मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर हम उसके बाद इनके छिलके निकालेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठंडा हो गया है, अब मैं इसके छिलके निकाल लूंगी धीरे धीरे। देखिए मैंने बैंगन को अच्छे से पील आउट कर लिया है। ये अभी भी बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं खोल पा रही हूँ। इसमें बीच बीच में आपके ये गार्लिक के भी पीसेस है जो कि मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसी तरीके से मैं इन टमाटरों को भी इनका छिलका मैं निकाल लूँगी। मैंने सब कुछ अच्छे से मैश भी कर लिया है, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से, और जो इसमें गार्लिक्स भी थे उनको भी थोड़ा हाथ से देखिए क्रश कर लिया है, क्योंकि ये तो बहुत नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये इंग्रेडिएंट्स सब डाल दूंगी, जैसे कि मैंने ली है मटर, थोड़े से प्याज, ये धनिया पत्ता है, और यहाँ पे है एक छोटा सा चिली जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। आप इसमें और भी ऑप्शनल सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे आप टमाटर भी ऐसे भी नॉर्मल भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी। और हम इसमें यूज़ करेंगे हमारा ये मस्टर्ड ऑयल, और हमें चाहिए इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर लेंगे। मैं पहले नमक डाल रही हूँ, उसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स सब इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल भी डाल लेंगे, बस थोड़े से ही की ज़रूरत है, और अच्छे से इसे हाथ से ही मैश कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पूरा बन चुका है, मैंने इसे पूरा अच्छे से मैश कर लिया है। सिर्फ ध्यान रखिएगा टमाटर की जो बीच की जो डंडी होती है ना, वो थोड़ा सा इसमें हम लोग इसमें नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और ये पूरा रेडी है, इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है और रोटी के साथ भी लाजवाब लगता है। इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अगर थोड़ा सा अचार ले पाए तो भी अच्छा है, और ये नहीं तो ये ऐसे भी चलेगा। रेडी है गर्मा गर्म बैंगन का भरता, आप इसे रोटी के साथ इंजॉय कीजिए, खिचड़ी के साथ इंजॉय कीजिए, दाल चावल के साथ इंजॉय करिए, ये भरता सबके साथ जाता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कि आपको ये भरता कैसा लगा और आप इसे किस तरीके से खाते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।